हेलो एंड वेलकम टू शमी बियॉन्ड द प्लेट। मेरे इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ ऑल पर्पज ग्रेवी। ये होटल स्टाइल की ग्रेवी बना रही हूँ मैं। इस ग्रेवी से आप बहुत सारी सब्जियां बना सकते हैं, जैसे कि मटर पनीर, खोया पनीर, पनीर टिक्का मसाला, वेज नॉन वेज हर तरह की सब्जी आप बना सकते हैं इससे। और अगर आपके घर पे अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो कुछ भी इसमें मिलाइए, मिक्स वेज मिलाइए और इसे बनाकर फटाफट आप परोस सकते हैं। ये जो ग्रेवी है ये आपको बहुत काम आएगी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं मेरे स्टाइल में। सबसे पहले पैन में हम लेंगे आधा कप ऑयल। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि ये एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा। तेल अब हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ गरम मसाले डालेंगे, जैसे कि 4 से 5 लौंग, एक बड़ी इलायची, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 4 छोटी इलायची, 2 तेज़पत्ता, 8 से 10 काली मिर्च। ये गरम मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे सबसे पहले। ज़्यादा देर तक हमें नहीं भुनना है, हम नहीं चाहते कि हमारी ग्रेवी का कलर इस गरम मसाले से काला पड़ जाए, तो ज़्यादा हम उसे नहीं पकाएंगे गरम मसालों को। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये चॉप किए हुए प्याज। ये मैंने प्याज 300 ग्राम लिए हैं, इसे आप बारीक चॉप कर लें। ये डाल देंगे इसके अंदर। अब हम इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे, यानी कि हम इसे हल्का भूरा होने तक इसे फ्राई करना है। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। ये देखिए थोड़े गुलाबी होने लगे हैं अब प्याज, लेकिन थोड़ा और हम इसे भुनेंगे। ये देखिए प्याज अब हल्के ब्राउन होने लगे हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका कच्चापन जो है वो दूर नहीं हो जाता। 2 मिनट इसे पकाएंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे हम 250 ग्राम टमाटर। 300 ग्राम मैंने प्याज लिए थे और इसके अंदर जाएगा 250 ग्राम टमाटर, ठीक है। ये रेशो आप याद रखें, जब तक टमाटर गल नहीं जाते तब तक हमने इसको पकाना है। इसी के साथ में हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, यानी कि सॉल्ट। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, इस नमक की वजह से टमाटर जो है वो जल्दी ही पक जाएंगे। अगर टमाटर आपको जल्दी से पकाने हैं तो देखिए हमने पहले तो नमक यूज़ किया, ठीक है, इस मैशर की सहायता से इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो टमाटर बहुत ही जल्दी गल जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से, देखिए टमाटर एकदम से पेस्ट बन गया टमाटर का, है ना, और जल्दी गल गया, हमारा काम जल्दी हो गया इस तरीके से करने से। ये टमाटर जब तक पकते हैं तब तक आपको एक टिप बताती हूँ कि इसके अंदर मसाले जो हैं आपने किस तरीके से यूज़ करने हैं। इस तरीके से अगर आप मसाले यूज़ करेंगे तो ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। एक कटोरी में हम ले लेंगे 2 टीस्पून देगी मिर्च, इसकी जगह पर आप कश्मीरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कम तीखा चाहिए तो। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसी के साथ में डाल देंगे हम जीरा पाउडर, ये कच्चा जीरा पाउडर है, ये भुना हुआ जीरा नहीं है, याद रखिएगा। इसी के साथ में हम ले लेंगे 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर जो है वो थोड़ा ज़्यादा जाएगा इसमें, धनिया पाउडर से ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ा पानी और इसको हम मिक्स करेंगे। अगर इस तरीके से हम ग्रेवी के अंदर ये मसाले डालेंगे तो मसाले हमारे जलेंगे नहीं और हमारी ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा पानी और डालूंगी इसके अंदर मैं, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये तैयार हो गया हमारा मसाला। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे, जो मसाले हमने बनाए थे इस मसाले को अब हम इसके अंदर डाल देंगे। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मसालों को भी अच्छे से अच्छी तरीके से हमने पकाना है, 5 से 10 मिनट हम इसे पकाएंगे। ये देखिए मसाला काफ़ी हद तक हमारा तैयार हो गया है। ये आसपास देखिए आप तेल छोड़ने लगा है, तो इसका मतलब ये है कि मसाला काफ़ी हमारा पक चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे उबले हुए काजू का पेस्ट। ये 25 ग्राम लिए हैं मैंने काजू, उसका मैंने पेस्ट बनाया है। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। काजू पेस्ट डालने के बाद इसको हमने लगातार चलाना है क्योंकि काजू का पेस्ट जो है वो काफ़ी नीचे लग भी जाता है, तो इसे आप लगातार चलाएं। ये देखिए तेल फिर से छोड़ने लगा है। इस वक्त हम डाल देंगे इसके अंदर हरा धनिया चॉप किया हुआ, ये डंडी के साथ लीजिएगा आप, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा ग्रेवी में। इसी के साथ डाल देंगे हम ये 2 हरी मिर्च स्लिट की हुई, स्लिट कर लें आप और ये डाल दें इस तरीके से, और इसको 2 मिनट के लिए हम और पकाएंगे। आप देख सकते हैं, देखिए अच्छे से तेल छोड़ दिया है और बिल्कुल ये मसाला जो है पक गया है, और काजू का पेस्ट भी जो हमने डाला था वो भी पक चुका है।
तो ये ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। और देखिए ग्रेवी बढ़िया सी मज़ेदार ग्रेवी तैयार हो गई। ये रोगन जो है ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, आप फ्रिज के अंदर इसे स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत सारी सब्जियां आप इससे बना सकते हैं और नॉनवेज भी बना सकते हैं आप इस ग्रेवी से। वेज और नॉनवेज दोनों तरह की डिश आप बना सकते हैं इस ग्रेवी से। तो देखिए कितनी यूज़फुल है ये ग्रेवी आपके लिए। आप इसे बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अगले एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ इन शमी बियॉन्ड द प्लेट। तब तक के लिए बाय बाय। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड कीप कुकिंग।